हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम सेट नंबर 51। फर्स्ट वी विल रिकॉल थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स डेफिनेशन। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ, वेथ एंड हाइट कैन बी सीन। प्रॉब्लम सेट नंबर 51। द फर्स्ट कॉलम शोज अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्लॉक्स। The other column shows different views of the structure in two dimensions. Say whether each view is from the front, from a side, or from above. So students, in first column there is block formation, and in front of each block, so there given view of formation. So let's we have to find which view of formation of that blocks. First block formation, so first is the from the front of that view of that block, then from a side and from the above. Okay, तो जो first number का block दिया गया है उसका first जो formation है, view of formation, वो है फ्रॉम द फ्रंट। फ्रंट साइड से वो कैसे दिखेगा, देन फ्रॉम अ साइड, साइड से वो कैसे दिखेगा, और फ्रॉम द अबव मीन्स अपर साइड से वो कैसे दिखेगा। सेकंड ब्लॉक फॉर्मेशन इज देयर, सो फर्स्ट पिक्चर ऑफ दैट फ्रॉम द अबव साइड वी विल सी लाइक दिस वे ब्लॉक फॉर्मेशन, देन सेकंड पिक्चर ऑफ दैट फ्रॉम अ साइड, एंड थर्ड पिक्चर ऑफ फ्रॉम द फ्रंट। थर्ड नंबर ब्लॉक फॉर्मेशन इज देयर, सो फर्स्ट पिक्चर इज फ्रॉम अ साइड, सेकंड सो दिस पिक्चर लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड थर्ड वन लुकिंग फ्रॉम द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, ड्रॉ थ्री पिक्चर्स ऑफ ईच ऑफ दिस थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, अ टेबल, अ चेयर एंड अ वाटर बॉटल एज व्यूड फ्रॉम द फ्रंट, from a side and from above. Miss students, we have to draw three dimensional object, a table, a chair and a bottle, and you will draw view formation in front of that objects. Okay, so first object is table, chair, and third one is water bottle. So students, draw all block formation in your notebook.